कक्षा चार विषय गणित। कक्षा चार के गणित विषय में हम पर्सनली 2.1 के सवालों को हल कर रहे थे। हमने इसका सवाल नंबर 1 और 2 हल किया। आज हम कर रहे हैं प्रश्न नंबर 3। प्रत्येक में सही लिखी संख्या में गोला लगाइए। तो आपको एक संख्या शब्दों में लिखा हुआ है और आपको देखना है कि इसके अंदर नीचे चार उत्तर दे रखे हैं। इन चारों उत्तर में से इसका सही उत्तर कौन सा है उसके ऊपर आपको गोला लगाना है। तो देखिए आपको लिखा हुआ है 50,005। अब इसमें से सही अंकों में कौन सा है उसकी आपको पहचान करनी है। तो देखिए पहले लिखा हुआ है 505, इसके अंदर इकाई दहाई सैकड़ा। तो हमारे तो हजार के अंदर दे रखी है संख्या, तो ये नहीं होगा। फिर देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। अब 10,000 पर क्या है, हजार और 10,000 को साथ में बोलते हैं, तो ये क्या हो गया 5,000। सैकड़ा नहीं है, दहाई नहीं है, इकाई है, तो 50,005 हो गया। फिर इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। अब ये संख्या किस में हो गई, लाख में हो गई। फिर इकाई दहाई सैकड़ा हजार, ये संख्या केवल किस में हुई, हजार में हुई। तो हमारा जो सही उत्तर कौन सा होगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, यानी 5-10,000 हो गए यहाँ पे, यानी 50,000। तो इसके अंदर ये वाली संख्या क्या हमारी एकदम सही है। तो इसके ऊपर हमने क्या कर दिया, गोला बना दिया। क्या बना दिया, गोला। अब हमारा जो प्रश्न नंबर 2 है इसमें क्या लिखा हुआ है, 25,07,303। 25,07,303। अब इसकी पहचान कीजिए, देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10,000, यानी 25,07,303। अब इसमें देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। अब इसमें देखिए जैसे ये संख्या दे रखी है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। अब इसमें देखिए 10,000,000 नहीं है, तो ये संख्या सही नहीं है। इसमें देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख और 10,000। तो इन चारों में से जो सही अंक है हमारे पास, तो वो है देखिए, जैसे आपको समझ में बताएं, देखिए नीचे लिखा हमने इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख और 10,000। तो आपको पता है लाख और 10,000 को हमेशा साथ में लिखा जाता है, हजार और 10,000 को हमेशा साथ में लिखा जाता है। तो ये देखिए क्या लिखा, 25,00,000। इसे इकाई से शुरू करें, पर इकाई कितना है 3, इकाई का अंक एक ही होता है, दहाई होती नहीं है, तो हमने क्या लगा दिया 0। फिर 300 यानी 3 सैकड़ा 7,000। अब 7 भी इकाई की संख्या होती है, इसमें दहाई होता नहीं है, तो हमने यहाँ क्या लगा दिया 0। फिर 25,00,000 और 10,000, तो संख्या बनेगी 25, फिर 07, फिर 303, 25,07,303। अब ये वाले अंक देखिए इसमें कहां पर ये रहा, 25,07,303। तो ये आंसर आपका क्या हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब इसके बाद में देखिए आपका तीसरा, इस पर संख्या लिखी हुई है 9,09,505। 9,09,505। तो संख्या करोड़ के अंदर है, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10,000,000 आगे हमने को कर दिया करोड़। क्या कर दिया, करोड़। तो देख कितना है, 9,00,000।
अब 10 लाख है क्या? आप देखिए यहां पर 9 लाख लिखा हुआ है, 9 लाख इकाई की संख्या होती है, इसमें ढाई होती नहीं है, तो हमने 10 लाख के स्थान पर क्या लगा दिया, 0 और 9 लाख। फिर हजार और 10,000, अब देखिए लाख के बाद में हजार की संख्या ही नहीं है इसके अंदर, यानी आप उसको शब्दों को दिए हुए ही नहीं है, तो हमने उसके स्थान पर क्या लगा दिया, 0,0, क्या लगा दिया, 0,0। फिर 500 यानी 5 सैकड़ा दे रखा है आपको, तो ये 5 सैकड़ा, फिर 505, और 5 भी क्या होता है, इकाई की संख्या होती है, तो दाई की संख्या नहीं होती है, तो दाई के स्थान पर हमने क्या लगा दिया, 0, और फिर इकाई का लिख दिया हमने 5। तो ये है बनी हमारी संख्या विधि, पहले 9, फिर 09, फिर 00, फिर 505, 9,09,505। अब ये वाला अंक देखिए इसमें कहां दिख रहा है, वह संख्या क्या हो जाएगी, राइट हो जाएगी, तो ये रहा देखिए 2 नंबर, और इस पर हमने क्या लगा दिया, 2 नंबर। तो इस प्रकार से आपको संख्याओं की पहचान करनी है और उसको एकदम सही विकल्प को चुनकर उस पर गोला लगाना है। तो इसको आप देखिए, समझिए और फिर इसमें हल करने का प्रयास कीजिए।